देखिए हमारे रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने आज गोंडा से बहराइच तक के लिए नई रेल का संचालन किया है और लगभग 2 वर्ष तक इस लाइन पर बहराइच से गोंडा तक ट्रेनों का संचालन बंद था, क्योंकि बड़ी लाइन यानी अमान परिवर्तन इसका हो रहा था, ब्रॉडगेज बन गया। और आज मनोज सिन्हा जी ने गोंडा से इस ट्रेन का शुभारंभ किया। मुझे भी लगा इस ट्रेन से मुझे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रयागपुर और विशेषकर दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। मैं वहाँ से चला अपने कार्यकर्ताओं के साथ और गंगा धाम रास्ते में पड़ा, वहाँ भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे, हजारों की संख्या में बनगाई में हजारों की संख्या में इकट्ठा थे, विश्वेश्वरगंज में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे, प्रयागपुर में हजारों की संख्या में इकट्ठा थे, योगेंद्र धाम और चिलवरिया में हजारों की संख्या में इकट्ठा थे लोग। और यहाँ भी आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और आदरणीय मोदी जी योगी जी के नारे लग रहे हैं। लोगों को बहुत खुशी है, मैंने लोगों को धन्यवाद भी दिया है और आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी रेल लाइन दी और नई ट्रेन दी है। मैंने आज 4 मांग प्रस्तुत किया है लिखित रूप में आदरणीय मनोज सिन्हा जी के सामने। पहली मांग तो गोंडा से बनारस के लिए जो इंटरसिटी चलती है उसको बहराइच से चलाया जाए, और उसी के साथ ही मनकापुर से प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है उसको भी बहराइच से चलाया जाए, और गोंडा से आसनसोल एक्सप्रेस चलती है बाबा धाम, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, उस ट्रेन को भी बहराइच से चलाया जाए। बहराइच से दिल्ली जाने के लिए वाया गोंडा लखनऊ एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, इसकी भी मांग की गई है। और अगर ट्रेन संभव ना हो तो 2 बोगी बहराइच के लोगों को दिल्ली जाने के लिए आरक्षित कर दिया जाए, इसकी मांग हमने की है। और भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने, गुरुभूषण सिंह जी थे और भी सारे लोग थे, इन्हीं मांगों को उन लोगों ने भी वहाँ अपने भाषण में रखा है, मैंने तो लिखित रूप में आदरणीय मोदी जी को दिया।